नगर निगम सोलन में 8 पंचायतों को शामिल ना किया जाए, इसको लेकर गांववासियों ने अपनी आपत्तियां एडीसी सोलन अनुराग शर्मा के पास दर्ज करवाई। इस मौके पर गांववासियों की भारी भीड़ मिनी सचिवालय के बाहर मौजूद रही। सचिवालय के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहा और किसी भी तरह की नारेबाजी प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं की गई। संघर्ष समिति के प्रवक्ता नीरज भारद्वाज ने गांववासियों को जागरूक करने का प्रयास किया और उन्हें बताया कि अगर वे नगर निगम में शामिल होंगे तो उन्हें क्या हानि उठानी पड़ सकती है। साथ में उन भाजपा कार्यकर्ताओं को भी जमकर कोसा जो संघर्ष के समय में उन्हें बीच मझधार में छोड़कर चले गए थे। किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता नीरज भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि वे अपने गांव की जमीन को नगर निगम में किसी भी हालत में शामिल नहीं होने देंगे। इसके लिए अगर प्रदेश सरकार से आर पार की लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो वे इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे गांव वासियों के हितों के लिए अपने ऊपर मामले दर्ज करवाने को भी तैयार हैं और अब उनका संघर्ष किसी भी सूरत में रुकने वाला नहीं है। वे प्रदेश सरकार के दबाव में अपने संघर्ष को खत्म करने वाले नहीं है। संघर्ष के इस समय में भाजपा कार्यकर्ताओं के बैकफुट पर जाने पर उन्हें संघर्ष समिति द्वारा जयचंदों की उपमा दी गई और कहा कि कुछ जयचंदों के जाने से उनके संघर्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि ग्रामीण दोगुनी ताकत से एकत्र हुए हैं। अधिकारी लोग तो आश्वासन नहीं देते, अधिकारी लोगों को तो यही कहा कि वो हमारी बात सरकार तक ठीक रूप से पहुंचाए, क्योंकि कई जयचंदों ने हमारी बातें ठीक नहीं पहुंचाई हैं। हमारे बीच में कई जयचंद थे तो उन्होंने मिसगाइड कर दिया। दूसरी बात यह है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि कई लोगों ने यह कहा कि वो सीएम साहब से मिल के आए, पर उनसे ये पूछा जाए कि सीएम साहब ने उस दिन कपड़े क्या पहने हुए थे, उनको ये भी पता है? जिस दिन के लिए वो झूठ यहाँ लोगों को बोल रहे हैं वो सीएम साहब के दरवाजे के अंदर भी जाके आए। वो अगर सीएम साहब से मिल रहे थे तो ज़्यादा अच्छी बात थी कि वो सीएम साहब को स्थिति अच्छी रखते, वो तो सीएम साहब को मिसगाइड कर रहे हैं, सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं। और कुछ जयचंदों के जाने से ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला, ये मेरे घर की लड़ाई मेरे गांव की लड़ाई है। हमने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दे रखी है, जीपीए नहीं दे रखी है कि वो मेरे गांव मेरे घर और मेरी ज़मीन का सौदा कर दें। और ये हर गांववासी की बात है, हमारे बीच के अगर कोई 3-4 जयचंद लोग गए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ को। ये आज प्रथम चरण है और प्रथम तरीके से हमने आपत्ति रखी है, वार्ड वाइज ये आपत्ति दी है प्रशासन को, और हमारे को पूरी हम ये आशा करेंगे कि सरकार तक हमारी बात बिल्कुल ठीक पहुंचेगी, क्योंकि जितनी भी भूमि है वो कृषि भूमि है, 90% भूमि जितने भी गांव में आप जाएंगे वो सारी कृषि भूमि है। और दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा ये बताऊं, कई लोग ये भी सवाल करेंगे जी देखो लोग नहीं आए आज, ऐसा नहीं हुआ। लोग को आने के लिए सबसे बड़ी बात है कि मेरे भाई मेरे गांव के लोगों का मुझे ध्यान रखना है, हमने ध्यान रखना है। कोरोना महामारी इस टाइम फैल रही है, इसलिए आग्रह किया था गया था कि एक पंचायत से 10 से ज़्यादा लोग ना आए, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि इसलिए कम लोग आए थे। अभी हम इसके बाद ये प्रथम चरण आपत्तियों का शुरू हुआ है, इसके बाद आपत्तियाँ और दिन ही शुरू होगी। देखिए अभी तो हमें लगता है कि सरकार मानेगी, पर अगर नहीं मानेगी और अगर कोई हिटलर राज चलेगा तो ठीक है, फिर मरना ही है तो फिर लड़के मरेंगे, फिर चाहे जेल जाना पड़े, केस हो, वो तो वैसे भी प्रशासन डराता ही है केस करके, शायद अभी पिछली बार भी हुआ है, तो हम तो तैयार हैं उसके लिए। फिर अगर सड़कों पे आना पड़ा तो सड़कों पे आएंगे, क्योंकि अगर मरना ही पड़ा तो फिर लड़के मरेंगे।